सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में मल्टीग्रेन सेरेलेक किस तरह से बनाना है ये मैंने आपको बताया है, सो उसी तरह से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीग्रेन सेरेलेक के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, किस तरह हम उसे बना सकते हैं जो बच्चे बड़ी ही इंटरेस्ट से खाए। जनरली बच्चों को डोसा काफ़ी पसंद आता है, तो हम इसकी शुरुआत जो है वो डोसे से ही करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है रेगुलर डोसे का बैटर। जो हम रेगुलर डोसे का बैटर यूज़ करते हैं वो बैटर लेना है हमें 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमें मल्टीग्रेन सेरेलेक का पाउडर लेना है। ये स्पून जो है ये मैं सेरेलेक का ही यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरा स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। सो जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, अच्छे से इसे ऐड कर लेते हैं, हल्का हमें पानी यूज़ करना पड़ता है इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, फिर हम थोड़ा नमक यूज़ करें स्वादानुसार। उसके बाद अगर आपको जीरा पाउडर यूज़ करना है तो आप जीरा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है डोसे में। जब आपकी डोसे की कंसिस्टेंसी अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाती है तब आप इसका डोसा बनाइए। सो ये हमारा मल्टीग्रेन डोसा बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे सेकेंड टाइप ऑफ डोसा। इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच दही, 1 चम्मच मल्टीग्रेन सेरेलेक का पाउडर। इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के लिए हम थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। साथ ही में हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, जीरा पाउडर ऑप्शनल है, इसे डालने से टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, आप डालेंगे तो टेस्ट अच्छा लगेगा इसका। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी दाना ऐसे बचना नहीं चाहिए, प्रॉपरली हमें इसे मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे भी 5 to 10 मिनट तक रेस्ट देना है। एक चम्मच मल्टीग्रेन सेरेलेक का पाउडर, थोड़ा पानी, कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते रहेंगे हम, फिर डालेंगे हम थोड़ा नमक, जीरा पाउडर, हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे, फेंटने के बाद इसे हम रेस्ट देंगे 5 to 10 मिनट्स। फोर्थ आइटम हम बनाएंगे इडली। इसके लिए हम लेंगे नॉर्मल इडली का बैटर, जो हम चावल और उड़द दाल से बनाते हैं वो वाला हम रेगुलर बैटर लेंगे। उसमें हम मल्टीग्रेन सेरेलेक का पाउडर ऐड करेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, पानी ऐड करेंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। इसे भी हमें 5 to 10 मिनट तक रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद हमें इसकी कंसिस्टेंसी वापस एक बार चेक करनी है, अगर ज़रूरत है तो हमें थोड़ा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है। और जैसे हम नॉर्मल इडली का बैटर बनाते हैं वैसे ही हमें उसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना है और हमें उसकी इडली बनानी है। तो ये हमारी मल्टीग्रेन सेरेलेक की इडली बनके रेडी है। सो फिफ्थ आइटम हम बना रहे हैं मल्टीग्रेन सेरेलेक का शीरा। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक पतीला, पतीले में हमें लेना है एक छोटा ग्लास पानी, फिर हमें उसे गैस पे चढ़ाना है। जब पानी उबल जाए, पानी उबलने के बाद हमें उसमें डालना है 2 चम्मच मल्टीग्रेन सेरेलेक का पाउडर।
पाउडर डालने के बाद हमें उसे कंटिन्यूसली हिलाना है ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। तकरीबन एक मिनट तक हमें उसे कंटिन्यू हिलाना है। उसके बाद हमें उसमें डालना है गुड़ या फिर गुड़ का पाउडर, मैंने गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। उसके बाद हमें उसमें ऐड करना है थोड़ा इलायची पाउडर। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमें फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 मिनट का है। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। चलाते चलाते ये शीरे की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, जैसे हम रेगुलर शीरा खाते हैं वैसे टाइप का, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ही ये तुरंत हो जाएगा। और ये रहा हमारा मल्टीग्रेन सेरेलैक का शीरा बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे 6th आइटम सेरेलैक। इसके लिए हमें चाहिए गर्म पानी। गर्म पानी को हम एक बाउल में ले लेंगे। बाउल में हम तकरीबन 2 चम्मच तक मल्टीग्रेन सेरेलैक का पाउडर डालेंगे। उसे अच्छे से चलाएंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे। फिर हम उसमें गुड़ का पाउडर ऐड करेंगे। गुड़ का पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा हम उसे चला लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। उसके बाद हम इसे 10 मिनट तक मिनिमम रेस्ट देंगे। हम इसे 10 मिनट अच्छी तरह से ढक के रखेंगे। रेस्टिंग पीरियड के दौरान, 10 मिनट्स का जो रेस्ट पीरियड रहता है उसके दौरान मल्टीग्रेन सेरेलैक का पाउडर गर्म पानी में मिक्स होकर फूलता है, और ये फूलने के बाद वही कंसिस्टेंसी लाता है जो हम रेगुलर सेरेलैक जो बच्चों को देते हैं वही कंसिस्टेंसी ये ले आता है। सो गाइस, ये थी हमारी 6 मल्टीग्रेन सेरेलैक की आइटम्स जिसे बच्चे डेफिनेटली इंटरेस्ट से खाएंगे। तो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के दौरान अगर मैं कुछ आपको बताना भूल गई हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।